हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास इलेवेंथ का रसायन विज्ञान जिसका ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं पदार्थों के गुण तो पदार्थों के गुण या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर तो पदार्थों के गुण कौन कौन से होते हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और अंत में हम देखेंगे मूल मात्रक और पूरक मात्रक क्या होते हैं इस सभी के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले पदार्थों के गुण ठीक है तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पदार्थों के गुण ठीक है या हम कह सकते हैं लक्षण भी तो पदार्थों को देखिए पदार्थों के निम्नलिखित क्या होते हैं गुणधर्म होते हैं तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि पदार्थों के निम्नलिखित गुण होते हैं ठीक है पदार्थों के निम्नलिखित तो गुण होते हैं अब कौन कौन से होते हैं इस सभी के बारे में आप डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला गुण होता है कि पदार्थों का सबसे पहला गुण होता है इसका द्रव्यमान ठीक है क्योंकि पदार्थों में हम जानते हैं पदार्थों में क्या पाया जाता है द्रव्यमान पाया जाता है तो भैया द्रव्यमान है क्या सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि द्रव्यमान किसे कहते हैं तो याद रखेंगे द्रव्यमान का डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान किसे कहते हैं तो याद रखेंगे आप क्या कहेंगे द्रव्यमान का डिफिनेशन किसी वस्तु में उपस्थित किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को हम उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं मतलब कोई भी वस्तु है उस वस्तु में उपस्थित पदार्थों की जो मात्रा होती है उसे ही हम द्रव्यमान कहते हैं तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे डिफिनेशन यही लिखेंगे किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं है ठीक है तो सबसे पहला गुण याद याद रखेंगे पदार्थों का सबसे पहला गुण होता है द्रव्यमान और द्रव्यमान किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को उस वस्तु का हम द्रव्यमान कहते हैं मतलब कोई भी वस्तु है उस वस्तु में उपस्थित जो पदार्थों की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं अब पॉइंट आता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है क्या द्रव्यमान का याद रखें नोट में कि द्रव्यमान का मात्रक तो याद रखेंगे द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी ठीक है केजी भी होता है मतलब किलोग्राम भी होता है ग्राम भी होता है और याद रखेंगे मिलीग्राम भी होता है ठीक है आदि और भी छोटा आप ले सकते हैं ठीक है परंतु याद रखेंगे द्रव्यमान का कोई मात्रक पूछ ले तो आप क्या कहेंगे की जी मतलब किलोग्राम होता है ठीक है मतलब कोई भी वस्तु यदि आप कोई भी वस्तु दुकान से खरीदते हैं तो वो देखते हैं की जी में माफ आपको देता है ठीक है तो उसका क्या है वो द्रव्यमान है और एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान हर जगह क्या होता है सामान्य होता है यदि आप पृथ्वी पर हैं तब भी द्रव्यमान सामान्य होगा अगर आप चंद्रमा पर भी चले जाएं तो वहाँ पे भी द्रव्यमान क्या होगा सामान्य होगा परंतु भार क्या होता है बदलता रहता है ठीक है पृथ्वी पर भार अलग रहेगा चंद्रमा पर भार अलग रहेगा या पृथ्वी पर ही आप यहाँ पे माप माप लिए ठीक है और कहीं ऊंचेली जो ऊंची स्तर होता है वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा भार का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है तो ये पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर भार का मान बदलता रहता है परंतु द्रव्यमान हर जगह मतलब पूरे ब्रह्मांड में सामान्य होता है तो ये याद रखेंगे द्रव्यमान का ठीक है अब आते हैं हम दूसरे पदार्थों के दूसरे प्रॉपर्टीज़ पर तो पदार्थों का दूसरा प्रॉपर्टीज होता है गुड़ होता है भार क्योंकि पदार्थों में क्या होता है भार पाया जाता है तो भैया भार को हम क्या कहते हैं वेट कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं इसे हम मास कहते हैं तो भैया वेट है क्या सबसे पहला पॉइंट अब आता है कि वेट मतलब भार किसे कहते हैं तो याद रखेंगे कोई भी पृथ्वी मतलब मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है तो ये हमारी क्या है पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर मान लेते हैं ये कोई वस्तु है तो पृथ्वी जो ये पृथ्वी है पृथ्वी इस वस्तु को जिस बल से जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को ही हम क्या कहते हैं भार कहते हैं मतलब पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को ही हम क्या कहते हैं उस वस्तु का भार कहते हैं तो इससे हमें यह पता चला कि भार क्या है एक प्रकार का बल है जो क्या कर रही है जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो हम इसका डिफिनेशन भी ऐसे ही लिख देंगे तो चलिए डिफिनेशन की बात करते हैं डिफिनेशन क्या लिखेंगे तो डिफिनेशन हम ये लिखेंगे कि भार एक प्रकार का बल है जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने और आकर्षित करती है तो उसी बल को भार कहते हैं। हैं तो डेफिनेशन आप याद रखेंगे कोई भार का आपका डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि भार एक प्रकार का बल है जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है मतलब अपनी ओर खींचती है उसे ही हम क्या कहते हैं भार कहते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको भार भी अर्थात वेट भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम देखेंगे कि भार का जो होता है सूत्र क्या होता है तो याद रखेंगे भार का सूत्र होता है भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वी त्वरण ठीक है तो इसे भी आप याद रखेंगे बाहर बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वी त्वरण या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इज टू एम जी ठीक है W इज टू एम जी जहां क्या है W क्या है भार है वेट है और एम क्या है मास है मतलब द्रव्यमान और जी क्या है गुरुत्वीय वर्ण है ठीक है तो ये भी लिख सकते हैं अब आता है इसके मात्रक की कि भार का मात्रक क्या होता है तो याद रखेंगे भार का मात्रक सबसे पहले तो न्यूटन होता है ठीक है क्योंकि भार का खोज किसने किया था न्यूटन ने किया था तो भार क्या होता है मात्रक न्यूटन हो जाएगा या हम इसे हम कह सकते हैं के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये भी हम कह सकते हैं तो भार का यहां से दो मात्रक निकल गए एक होता है न्यूटन दूसरा होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या इसे सीजीएस मात्रक में भी आप इसे कन्वर्ट करके आप ये भी कह सकते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा अब हम याद रखेंगे एक और इसमें नोट में आप याद रखेंगे कि जो भार होता है ना वो हर जगह बदलता रहता है जबकि द्रव्यमान हर जगह अस्थायी होता है मतलब द्रव्यमान हर सामान्य होगा एक मेरा क्वेश्चन है कि आप मतलब कांटा जो होता है तरजुई जिससे हम क्या करते हैं नापते हैं या तोलते हैं तो वो क्या वो भार हम नापते हैं कि उस, वो द्रव्यमान नापा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा कि अगर हम किसी भी तरजोही को उठाकर अगर हम मापते हैं तो क्या वो भार मापा जा रहा है कि वहाँ पर द्रव्यमान उस वस्तु का मापा जा रहा है तो याद रखेंगे आंसर होगा कि उस वस्तु का हम मास माप रहे हैं मतलब द्रव्यमान मापा जा रहा है क्योंकि जो हम जो कांटे पर जो तरजोही होता है उस पर हम मापते हैं ठीक है तो याद रखेंगे वहाँ पे द्रव्यमान मापा जा रहा है वहाँ पे जो हम लेते हैं जो भी वस्तु को हम मापा जाता है माप कर रख देते हैं वहाँ से लेकर अदर हम किसी भी कंट्री में चले जाएँ वहाँ पर भी मापें तो उसका वेट जो उसका जो मास होगा द्रव्यमान होगा वो अलग होगा तो इसीलिए कोई भी वस्तु को हम केजी में मापते हैं अर्थात किसी भी वस्तु का हम द्रव्यमान द्रव्यमान में मापते हैं ना कि भार में मापते हैं आप किसी भी दुकान पे चले जाइए तो वहाँ पे भार नहीं वहाँ पे मास में मापा जाता है अर्थात द्रव्यमान में मापा जाता है इसलिए केजी में मापा जाता है क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है के होता है और भार का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है तो कोई भी वस्तु को हम न्यूटन में मापते हैं नहीं के में मापते हैं तो याद रखेंगे किसी वस्तु को द्रव्यमान में हम मापा जाता है और जिसका मात्रक होता है के जी ठीक है तो इसमें यही बात याद रखना है कि भार हर जगह बदलता रहता है और द्रव्यमान हर जगह सामान्य होता है ठीक है तो उम्मीद करता हूं ये दो पॉइंट आपको बहुत ये समझ में आ गए होंगे अब हम देखेंगे कि तीसरे जो पदार्थों के तीसरे गुण के बारे में ठीक है तो अब हम देखेंगे पदार्थों के तीसरे गुण तो इसको मैं मिटका दे रहा हूं ठीक है तो पदार्थों का तीसरा गुण याद रखेंगे कि पदार्थों में आयतन होता है ठीक है पदार्थों में क्या पाया जाता है पदार्थों में आयतन होता है क्योंकि पदार्थ आयतन आयतन तीसरा होता है पदार्थों में आयतन पाया जाता है आयतन ठीक है तो भैया आयतन है क्या तो पॉइंट आता है कि आयतन है क्या वैल्यूम है क्या ठीक है तो आयतन को याद रखेंगे हम डिफिनेशन करेंगे कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे उस स्थान का ही हम क्या कहते हैं आयतन कहते हैं मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड है ये जितना स्थान घेरा है इसे इस वस्तु का हम आयतन कहेंगे ठीक है ये जो मार्कर है ये जितना स्थान घेरेगा उस स्थान को ही हम क्या कहते हैं इस मार्कर का हम आयतन कहेंगे तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे कि डेफिनेशन हम यही कहेंगे कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं ठीक है तो हम क्या कह रहे हैं कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे उस स्थान का ही हम क्या कहते हैं उस स्थान को ही हम आयतन कहते हैं मतलब जितना स्थान घेरेगा उसे ही हम क्या कहेंगे आयतन कहेंगे अब आता है पॉइंट ये कि आयतन का जो होता है मात्रक क्या होता है तो याद रखेंगे आयतन का मात्रक ठीक है तो आयतन का मात्रक याद रखेंगे आयतन का सबसे पहला मात्रक होता है मीटर क्यू सेंटीमीटर क्यू ठीक है लीटर भी होता है मिलीलीटर भी होता है सीसी भी होता है आदि ठीक है तो इस सभी को याद रखेंगे ये आयतन के ही मात्रक है या मीटर ही कहिए या सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही कहिए या लीटर कहिए मिलीलीटर, सीसी के ही कहिए बात एक ही है ठीक है मतलब ये छोटा बड़ा से छोटे तो आपको मात्र को बताया गया है ठीक है तो ये आपको हो गया कि आयतन किसे कहते हैं ठीक है तो आयतन उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आयतन क्या होता है अब हम देखेंगे कि पदार्थों के चौथे गुण के बारे में जो होता है घनत्व क्योंकि पदार्थों में घनत्व पाया जाता है तो चौथा गुण हो गया घनत्व डेंसिटी तो घनत्व है क्या तो आता है पॉइंट कि घनत्व है क्या तो याद रखें घनत्व तो हम किसे डिफिनेशन इसका कैसे करेंगे डिफिनेशन हम यही कहेंगे कि किसी भी वस्तु कोई भी वस्तु एकांक मतलब कोई भी वस्तु है वो एकांक आयतन में आयतन का जो द्रव्यमान होता है मतलब किसी वस्तु के एकांक आयतन में जो, उसका जो द्रव्यमान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं उस वस्तु का हम क्या कहते हैं घना तो कहते हैं मतलब आपको डिफिनेशन लिखा जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा मतलब किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को वस्तु का घनत्व कहते हैं ठीक है तो घनत्व का डेफिनेशन यहां से क्या कहा जा रहा है किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित एकांक याद रखेंगे ये पॉइंट याद रखेंगे कि क्या कहा जा रहा है एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमानों को ही हम द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं उस वस्तु का घनत्व कहते हैं मतलब कोई भी वस्तु है उसके एकांक आयतन में जो द्रव्यमान उपस्थित होता है उस द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं उस वस्तु का घनत्व कहते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको घनत्व भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अब याद रखेंगे घनत्व का जो होता है सूत्र घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन ठीक है तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है और इसका मात्रक याद रखेंगे मात्रक यहाँ से निकल जाएगा द्रव्यमान का मात्रक हमने अभी बताया था क्या होता है के होता है तो इसका हमने के लिख दिया और आयतन का मात्रक हमने तीन चार ठो बताया जिसमें से पहले हमने क्या बताया था मीटर क्यू तो हम क्या कह देंगे मीटर क्यू तो हम द्रव्यमान का मतलब घनत्व का मात्रक हम क्या कह देंगे के प्रति मीटर क्यू ठीक है तो घनत्व का मात्रक आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं पदार्थों के पाँचवें गुण के बारे में जो कि पदार्थों का पांचवा गुण होता है ताप ठीक है तो ताप ताप क्या होता है याद रखेंगे ताप हम किसे कहते हैं याद रखेंगे कोई भी वस्तु है उसके अंदर जो उष्मीय ऊर्जा होती है उष्मीय ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं उसका ताप कहते हैं अर्थात मतलब कहा जाए तो कोई भी वस्तु है उस उस वस्तु में उष्मीय ऊर्जा की जो माप होती है उस माप को ही मतलब उष्मीय ऊर्जा जितनी होगी उसे ही हम क्या कहेंगे उसका ताप कहेंगे तो हम इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे डिफिनेशन हम यही कहेंगे डिफिनेशन हम यही कहेंगे कि किसी या हम ऐसे कह दें तापमान पूरा लिख दिया जाए तापमान ठीक है तो हम इस यही डिफिनेशन कहेंगे कि तापमान तापमान किसी भी वस्तु में उपस्थित उसमें ऊर्जा का माप होता है ठीक है तो यही आपका डिस्क्रिप्शन कह देंगे मतलब जो तापमान होता है तापमान किसी भी वस्तु में उपस्थित उसमीय ऊर्जा का माप होता है मतलब उसमें ऊर्जा जितनी अधिक होगी उस किसी भी वस्तु में जो उसमीय ऊर्जा जितनी अधिक होगी उस वस्तु का तापमान भी उतना ही अधिक होगा और उसमें ऊर्जा का मान जितना कम होगा उतना ही उस वस्तु का तापमान भी कम होगा इससे ये पता चलता है कि तापमान जो होता है वह उसमीय ऊर्जा पर निर्भर करता है ठीक है तो आप ये भी नोट में लिख लेंगे कि उसमी ऊर्जा का मान यदि बढ़ता है यदि घटता है तो तापमान भी क्या हो जाएगा यदि किसी वस्तु का उसमें ऊर्जा का मान घटेगा यदि घटेगा तो क्या होगा हो तापमान भी घटेगा और यदि उसमें ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो तापमान भी क्या हो जाएगा तापमान भी बढ़ेगा ये पॉइंट आप याद रखेंगे अब आता है कि तापमान को का मात्रा क्या होता है यह हम कह सकते हैं तापमान को किस किस में मापा जाता है तो याद रखेंगे तापमान को यहां हम कह सकते हैं पैमाना ठीक है पैमाना तापमान का पैमाना कितना होता है तो याद रखेंगे तापमान को किस में मापते हैं या आप भी कह सकते हैं मात्रक ठीक है तो याद रखेंगे तापमान को तो बहुत सी मतलब बहुत से चीजों के द्वारा मापा जाता है परंतु इसमें याद रखेंगे याद रखेंगे एक होता है सेल्सियस सेल्सियस ठीक है दूसरा याद रखेंगे हाइट, ठीक है और तीसरा याद रखेंगे केल्विन, ठीक है ये तीन चीज़ों में हम क्या करते हैं तापमान को मापा जाता है किसमें सेल्सियस में फॉरन में, में और केल्विन में ठीक है तो इन तीन चीज़ों में मापा जाता है और याद रखेंगे तापमान का मात्रक भी कोई पूछ ले तो इन तीनों में से कोई भी आप बता सकते हैं परंतु मुख्यतः आप केल्विन बताएंगे तो और अच्छा रहेगा ठीक है तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे और भी जो पॉइंट है उसे मैं बता दे रहा हूँ ठीक है तो इसको मैं मिटका रहा हूँ ठीक है और भी तापमान में कुछ बता दिया जाए आपको तो याद रखेंगे अब आता है तापमान का फॉर्मूला ठीक है तापमान का एक फॉर्मूला होता है फॉरन हाइट में कि फॉरन हाइट एस टू होता है नाइन पॉइंट फाइव नाइन नाइन एफ फाइव सी प्लस पैंतीस ठीक है ये एक सूत्र होता है यदि कोई भी आपको सेल्सियस में आपको तापमान बता दिया जाए और कहा जाए कि फ़ॉरेन हाइट में आप बताइए यदि सेल्सियस का मान आपको दे दिया जाए और फॉरेन हाइट में आपको पूछा जाए तो आप इसको कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं या दूसरा केल्विन में भी फॉर्मूला होता है कि के स्क्वर टू सी सी प्लस टू सेवन थ्री पॉइंट वन सिक्स ये भी आपका फार्मूला होता है तो इसे भी आप याद रखेंगे कि यदि सेल्सियस में स्मृति दिया जाए फॉरन हाइट में पूछे सेल्सियस देखे फॉरन हाइट में पूछे तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे और सेल्सियस देकर यदि केल्विन में पूछे तो आप इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे अब आता है एक पॉइंट कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर का तापमान कितना होता है तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान याद रखेंगे 36 डिग्री सेल्सियस होता है या यदि हम फॉरेन हाइट में बताएं तो अंठानवे दशमलव सिक्स फ़ौरन होता है इस पॉइंट को भी याद रखेंगे मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर में जो तापमान होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस होता है और फौरे में कितना अंठानवे दशमलव क्या होता है अंठानवे दशमलव फॉरन हाइट होता है इस पॉइंट को भी याद रखेंगे अब आता है कि रूम टेम्परेचर कितना होता है किसी भी कमरे का जो तापमान होता है वो कितना होता है तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि कमरे का तापमान कमरे का तापमान ठीक है तो कमरे का तापमान भी याद रखेंगे कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस या हम इसे सतहत्तर फॉरन हाइट भी कह सकते हैं ठीक है तो इसे भी आप याद रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस होता है किसी भी कमरे का तापमान या इसे सतहत्तर फॉरन हाइट में भी बता सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तापमान भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं और एक वो जो ये पदार्थों के जो गुण हैं ये तो आपको समाप्त हो गया ठीक है इतना अगर एग्जाम में आता है आप बता देते हैं तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे अब हम देखेंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे ठीक है तो इसको मैं मिटका रहा हूँ